नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज, क्या ये दो अलग अलग खुल गए क्या टर्मिनल? ओ, इसको हटा देते हैं, यहां पे खुला हुआ है। हाँ, तो तारीख है दोस्तों 10 मई 2024, समय 9:14:60 की 9:15 हो ही गया है। और अभी फिलहाल मेरा कोई पोजिशन नहीं है, आप यहाँ पर देखिए खाली है पोजिशन। और चैलेंज 2% का आज जो है कितना दिन है, 9वां दिन होगा आज, ठीक है। कल सिर्फ एक बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था 48,300 का कॉल ऑप्शन, उसमें मुझे प्रॉफिट बन गया था। अच्छा, ये एक लॉट कर लिया था कि दो लॉट लिया था ना, 30 क्वांटिटी था मेरे ख्याल से, मिस्टेक, मुझे याद आ रहा है ये दो लॉट मैंने लिया था, उसको भी मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। तो चलिए 9400 के कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज 2% यानी 188 रुपये यानी राउंड नंबर में 200 रुपये बनते हैं कि नहीं बनते। और बैंक निफ्टी को देखें तो 17 पॉइंट मात्र बचा है, ये है। और कल का देखिए 490 500 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी तो आपको एक मूवमेंट बनेगा, है ना, अदरवाइज दिक्कत है। SBI का 8% गैप अप खुला है, 466 वेट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए अब जरा सा देखें मामला, 47,500 का सी लेना होगा आपको, ध्यान रखना है। पांच सौ के ऊपर निकलेगा तब, है ना, उसके पहले नहीं। बैंक निफ्टी 47,500 का सी एवं 500 इसके ऊपर नहीं, इसके पहले नहीं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। कल गजब का पुट ऑप्शन ने तो गजब कर दिया है ना, एकदम जिस लेवल पे दिया उस लेवल के को ब्रेक जब किया तो गजब की तेजी दिखाया उसने। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी धाराशाही हो रहा है, 47,400 के पुट पे भी तब नजर रख के चलेंगे। और इसका हिसाब किताब क्या है, ओहो गजब, 400 के ऊपर जाने के बाद बाय बैंक निफ्टी 47,400 का पी एव आपको 400 के ऊपर लेना होगा। हालांकि आज थोड़ा सा एक रिकवरी का चांस लग रहा है कि आज एक रिकवरी मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में, 400 के ऊपर जाएगा तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। लेकिन मुझे आज बैंक निफ्टी था पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। चलिए और बैंक निफ्टी देखिए कोशिश कर रहा है, SBI नीचे आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि SBI ले लो, SBI का 840 का कॉल ऑप्शन उठा लो, ऐसा मेरा मन कर रहा है। और मन अगर कर रहा है तो मैंने एक कॉल ऑप्शन SBI का उठा लिया, ऑर्डर कंफर्म हो गया SBI का कॉल ऑप्शन 840 का, 840 का कॉल ऑप्शन 10.70 रुपया पे मिला है दोस्तों मुझे। और ये लॉट साइज है आपका देख ही रहे हैं 750 का, और मुझे लग रहा है
200 रुपये वाला जो मेरा टारगेट है वो डन हो गया है ना। और थोड़ा रुकूंगा आज मैं इसमें, 15 रुपये तक जाता है तो एक अच्छा मोमेंट बन जाएगा, 637 हो गया, 750 हो गया। तो चलिए मैं यहाँ से 11 रुपया 70 पैसे पे निकल जाता हूँ, ठीक है, अपना प्रॉफिट लेके, क्योंकि मुझे तो 188 रुपये ही चाहिए, 200 ही रुपये चाहिए ना, तो 200 रुपये ही चाहिए तो फिर दिक्कत क्या है। कॉल ऑप्शन आज मुझे थोड़ा प्रॉफिट मतलब ऊपर की तरफ मूव लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आना चाहिए, उसमें SBI अपना रोल प्ले कर सकता है। देखें मुझे कितना दे रहा है, 11 रुपये 10 पैसे पे दे रहा है। चलिए वेट करते हैं, 300 हो गए, अब मैं यहां पर से प्रॉफिट को ले लूंगा, 11 रुपये 35 पैसे पे वो मुझे देने को तैयार है, तो मैं 11 रुपये 35 पैसे पे निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो 487 रुपये का प्रॉफिट मेरा बुक हो गया। इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको एक्सेल शीट पे लिख लेते हैं। आज का चैलेंज 2% डन हो गया, क्लियर ना। तो इस प्रकार से चलिए इसको नोट कर लें पहले, चैलेंज 2% आज का डन हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले पूरा, ये सेम फॉन्ट में। आज हो गया 10 तारीख। देखिए मुझे अपना दूसरा टर्मिनल भी देखना रहता है, इसके वजह से जो है ना टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उधर भी देखने लग जाता है। SBI का लिया, 840 का कॉल ऑप्शन, 840 का सी ही ले लिया। क्वांटिटी आता है जो इसका रहता है 750 का लॉट रहता है, 750 का हेवी रहता है, 750 का हो गया। और बाय किया था मैंने 10 रुपये 70 पैसे पे, 10 रुपये 70 पैसे पे, और एग्जिट कर गया मैं 11 रुपये 35 पैसे पे, 11 रुपया 35 पैसे पे। तो टोटल जो प्रॉफिट बना मुझे यहाँ 487 रुपये 50 पैसे का। तो चैलेंज 2% आज का भी डन हो गया, 487 रुपये 50 पैसे का। इसमें फॉर्मूला लगा दूं क्या, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, 487 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो ये आज का चैलेंज 2% मेरा डन हो गया दोस्तों, मस्त तरीके से। ये देखिए और भी ऊपर जा रहा है 12-13, तो इसको ध्यान में देखिए, ये मैंने आप लोगों को कॉल ऑप्शन दिया है, और जैसे ही ऊपर निकलेगा तो लिया जा सकता है कॉल ऑप्शन भी मस्त तरीके से। सेंसेक्स किधर गया, सेंसेक्स देखिए जबरदस्त, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, आज है सेंसेक्स का एक्सपायरी। एक दोस्त ढूंढता हूँ, दोस्त आज है सेंसेक्स का एक्सपायरी। देखिए शानदार चल रहा है, और बैंक निफ्टी का भी मैंने आप लोगों को कॉल ऑप्शन दिया था, और ये 500 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट आपको करके दिखाएगा तेजी से। मन कर रहा है उठा लें क्या, कुछ और कर लें क्या। चलिए SBI का ही कॉल ऑप्शन 850 का ले लेता हूँ, और मार दिया 9.80 रुपये पे, मिल गया SBI 850 का कॉल ऑप्शन, इसको भी बुक कर ले क्या। 562 हो गया, देते सर 9.25 में मिला, 10.05 का तुरंत जर्क आ गया, 600 हो गया। तो इसको भी बुक कर लेते दोस्तों, है कि नहीं,
या इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करके स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दे क्या, क्योंकि एक जगह तो मेरा प्रॉफिट बुक 825 हो गया, ठीक है 887 हो गया, तो इसका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ देते हैं, इसमें खोएंगे हम कुछ भी नहीं, ठीक है इसमें हम खोएंगे कुछ भी कि 937 हो गया, देखिए ठीक है खोएंगे कुछ भी नहीं क्योंकि हमारा एक प्रॉफिट बुक्ड है पहले से, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 रुपया 15 पैसा पे इसको निकाल देते हैं, ये निकल जाएगा, ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। SBI 830 के ऊपर चाहें तो आप ले सकते हैं SBI, ये हमारा जो चल रहा है, देखिए प्रॉफिट बुक हो गया, 10 रुपया 15 पैसा मैंने लगाया था वो बुक हो, उसको मेंटेन करेंगे, लेकिन पहले आप लोग खरीदिए बाय SBI एभव 829 SL 823 टारगेट 831 और 841 SBI को जरूर लेना चाहिए 829 के ऊपर जाने के बाद। क्या वाईसी नहीं जा रहा मैसेज, कोई बात नहीं तो उसको मेंटेन कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, ले लिया इसको 925 पे या 10-15 पे निकल गया। चलिए इसको मेंटेन कर लेते हैं, फिर से यही है SBI 850 का कॉल ऑप्शन, 850 का कॉल ऑप्शन बाय किए और इसको जो है मेंटेन कर लेते हैं। मोबाइल ऐप में पूरा प्राइस दिख जाता है कि कहाँ पे खरीदे कहाँ पे नहीं खरीदे सारा दिख जाता है। 9 रुपया 25 पैसा पे ले लिया फटाक से, निकल गया 10 रुपया 15 पैसा पे। टोटल प्रॉफिट इधर आ गया हमको इसका 500 कितना है, एक मिनट, 675 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसमें, इसलिए क्योंकि 750 का लॉट रहता है ना, तो लगभग देखिए अगर एक पॉइंट जाता तो 750 होता है, एक पॉइंट से 10 पैसा कम लिया तो 675 का प्रॉफिट हो गया, तो दोनों मिला के आज का हमारा प्रॉफिट बन गया 1162 रुपया। मुझे चाहिए मात्र 200 रुपये, 9,400 का चाहिए 200 रुपये, यानी 2%, तो 2% चाहिए तो इसका मतलब 188 रुपये होता है, तो राउंड नंबर 200, तो कई गुना ज़्यादा दे देता है, तो दे देखिए कम प्रॉफिट लेके सोचिएगा ना, कम प्रॉफिट का टारगेट रखिएगा ना, तो आपको बड़ा मिल जाएगा, लेकिन आप बड़ा प्रॉफिट का भी टारगेट लेके बैठिएगा बड़ा प्रॉफिट, तो आपको शायद छोटा प्रॉफिट मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना कि भाई हमको तो बड़ा चाहिए हवाई जहाज वाला चाहिए इस वजह से, तो आप इसी हिसाब से देखिए, आप अपना छोटे छोटे प्रॉफिट को लेते जाइए और खुश रहिए, जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन जो है नरक हो जाता है। ये देखिए बैंक निफ्टी का आपको लेवल आया क्या, 520 का हाई मारा, 519 का, चलिए कोई बात नहीं। आज SBI ही दारोमदार निभाएगा पक्का, तो हमारा चैलेंज 2% दोस्तों डन हो गया, ठीक है तो अब चलिए आपसे क्या क्या करें, देखें कुछ आप लोग को और स्टॉक्स वगैरह दे देते हैं, नहीं तो फिर नाराज हो जाइएगा आपके, अरे इतना सा कम दिया भाई, क्यों कम दिया। निफ्टी 50 में ही चलते हैं, वहीं से स्टॉक्स को पिक करते हैं, ये निफ्टी 50 आ गया, अडानी पोर्ट 2% 21% की तेजी है, कोई बात नहीं, 1265।
ओके 1265 के ऊपर अडानी पोर्ट भाग सकता है। अडानी पोर्ट ये 1265 1259 टारगेट 1271 और 1277 ये सब गया नहीं अभी तक क्यों भाई, इतना इतना दे रहा हूं तब भी नहीं जा रहा है। अब गया कुछ होगा इधर होगा इसलिए नहीं जा रहा था वहां भी। ये दोनों नहीं गया तो दोनों को डिलीट कर देते हैं। चीरर दिखाते हैं, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, अडानी है, एसबीआई है, ठीक। चलिए तो तीन स्टॉक्स हो गए और नहीं दो स्टॉक हुए एक ऑप्शन हुआ। चलिए अभी और भी देखते हैं कुछ ढंग का और मिलता है तो देने की कोशिश। हाँ रिलायंस पे नज़र रखिए भैया, 2805-6 के ऊपर निकलेगा तो रिलायंस में मूवमेंट आ सकता है। बाय रिलायंस ए भग 2806 2796 टारगेट 2816 2826 एक दोस्त। चलिए अब कुछ काम रिलायंस ऊपर भाग रहा 2807 हो गया, देखिए गजब है ना। ये रिलायंस 2807 हो गया, 2806 के ऊपर दिया था खरीदने, 2808 का हाई मार गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपका बैंक निफ्टी उसी जगह पे हाई 520 का लगा के वापस नीचे आ गया, यानी वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, एसबीआई 829 के ऊपर गया ही नहीं, 829 के ऊपर जाता ना तो आपको मोमेंट बना के देता। Mm-hmm.
अब चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका अपना काम तो हम लोग का हो ही गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे कैपिटल से रोज छोटा छोटा प्रॉफिट लेके घर जाइए, कोई टेंशन नहीं।